दोस्तों गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। दरअसल वो गीदड़ कतर का था। कारण दोस्तों यह है कि कतर ने अपने सर पर कफन बांध लिया है। वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खरीदने के ऊपर विचार कर रहा है। आपको जानकारी है पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन के पांव कब्र में लटके हुए हैं। उनके पास इतना पैसा तक नहीं है कि वो अपने हवाई जहाजों में डीजल पेट्रोल भरवा सकें। एम्प्लॉइज को तनख्वाह वनख्वाह देना वो तो बड़ी बात हो गई। इतनी खस्ता हाल एयरलाइंस में थोड़ी बहुत नहीं, 51% हिस्सेदारी खरीदना चाह रहा है कतर। उधर पाकिस्तान भी लालायत बैठा है कि जल्दी से पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को कतर के मत्थे मढ़ दिया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो पुराने एम्प्लॉयज हैं वो भत्ता मांग रहे हैं कंपनी को छोड़ने का। अब वो कतर कहाँ से पे कर दे। साथ में पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो विमान है वो बेहद खस्ता है, उनको रिपेयर कराना पड़ेगा तो उसका भी खर्चा कौन वहन करेगा। आसिम मुनीर तो मुजरा करते रहते हैं, पूरा पैसा कतर के एमिर को देना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा इश्यू यह है कि जो एम्प्लॉई यूनियंस हैं वो विरोध कर रही हैं। इतनी सब समस्याओं के बावजूद कतर चाह रहा है कि भैया जी हमें पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस मिल जाए, हम खरीद लें। तो हम तो कह रहे हैं इनसे, भैया जी आप खरीद लो, बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तान एक पैरासाइट है, तीसरा नंबर अब कतर का है। अमेरिका और चीन दोनों चूसे गए थे, अब कतर भी चूसा जाएगा। और दोस्तों देखिए ये कब हो रहा है। एक तरफ जहां कतर पाकिस्तानी एयरलाइंस घाटे वाली एयरलाइंस खरीदने जा रहा है, तो दूसरी तरफ इनकी जहां से कमाई होती है, कच्चे तेल के दाम 4 महीने के न्यूनतम स्तर पर हो गए हैं। लोएस्ट लेवल पर टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कतर। इनका कच्चा तेल कोई खरीद नहीं रहा है, दाम काटने पड़ रहे हैं अनाप शनाप, वो भी जनवरी की डिलीवरी के लिए अगले साल में। तो दोस्तों स्वाभाविक है, एक तरफ ये अपने गले में पाकिस्तानी हाथी बांध रहे हैं, दूसरी तरफ कमाई कम हो रही है। ऐसे देश गड्ढे में नहीं गिरेंगे तो क्या होगा इनके साथ, आप ये बताइए। इसलिए भारतीय नौसैनिकों का जो विवाद चल रहा है वो तो मोदी जी सुलझा लेंगे, ये अपनी मट्टी पलीत खुद करवाएंगे। इनकी संगत बुरी है, इनको तो भैया भगवान के भरोसे छोड़ दो। अब दोस्तों स्वाभाविक है कच्चे तेल के दाम गिरते हैं अथवा चढ़ते हैं, दोनों तरफ प्रॉफिट होता है। वो कमाने के लिए आपको सीखना होगी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की कलाएं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगले 44 दिनों के बाद 1 जनवरी 2024 से हमारे तीनों आत्मनिर्भर इन्वेस्टर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कोर्स की फीस डबल डबल होने जा रही है। इसलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अपना पसंदीदा आत्मनिर्भर इन्वेस्टर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा।